अरे अरे रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं बेटा, आप एक काम करो, आप जाओ यहाँ से। वैसे भी सारी लड़कियां पूरी हो गई हैं, 8 कन्या हो चुकी हैं, आप जाओ यहाँ से। अंकल जाने दो ना, मेरे सारे दोस्त भी अंदर चले गए। हाँ बेटा, सारे आ चुके हैं, लेकिन वो अच्छे लग रहे हैं ना दिखने में। आप तो शायद नहा के भी नहीं आए हो, है ना? आप एक काम करो, आप जाओ, 8 कन्या पूरी हो चुकी हैं, आप जाइए यहाँ से। बोला ना बेटा, जाओ यहाँ से, जाओ। सुनिए, एक काम कीजिए, आप ये सारे फल दे दीजिए और 4 दर्जन केले भी दे दो। सारे? हाँ सारे। ठीक है, देती हूँ। वैसे भैया, आप रोज फल लेकर जाते हो, लेकिन आज इतने सारे फल, कोई खास बात है क्या? हाँ, वो कल अष्टमी है ना, तो नवरात्रों के लिए चाहिए, पूजा के लिए सारे फल लगेंगे ना, तो इसलिए। नहीं है भैया, नहीं है, ये सारे बिक गए। क्या मतलब, क्या हुआ? अभी तो पैक कर रही थी ना तुम सब। बोला ना भैया, सारे बिक गए। अरे कुछ बात है तो बताओ ना। अच्छा एक काम करो, आप अपनी बीवी को भेज दो, मैं उन्हें दे दूंगी। अरे नहीं, वो घर का काम कर रही है, वैसे भी उसे कल की तैयारी करनी है, वो यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। बोला ना भैया, अपनी बीवी को भेजिए, मैं उन्हें ही फल दूंगी, आपको नहीं। अजीब बात है। ये क्या किया तुमने, उन्हें फल क्यों नहीं दिए? चलो छोड़ो, अब मैं आ गई हूँ, एक काम करो, 1-1 किलो पैक कर दो। वैसे दीदी, आपके लिए भी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा मन, मैं फल नहीं देना चाहती आप लोगों को। जब तुम्हें फल देने ही नहीं थे तो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं कहीं और से ले लेती ना। बुलाया इसलिए क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना था। क्या बताना था? आपको याद है आपने पिछले साल मेरी बच्ची के साथ क्या किया था? आप खुद आई थी मेरे पास ये कहने के लिए कि आपको कंजक बिठानी है और मैं अपनी बच्ची को भेज दूँ, और जब मेरी बच्ची आपके यहाँ गई तो आपके पति ने उसे भगा दिया। और मुझे वजह भी पता है कि आप लोगों ने मेरी बच्ची को क्यों भगाया होगा, क्योंकि वो गरीब की बच्ची है, उसके कपड़े मैले होंगे और हम लोग तो बहुत गरीब है ना, आपके मुकाबले के नहीं है, तो आपने मेरी बच्ची को भगा दिया। आपको पता है घर पर आकर वो पूरे 1 घंटे तक रोई है। मैंने बहुत कोशिश की, उसे खूब समझाया कि वो चुप हो जाए, लेकिन मेरी बच्ची तब भी चुप नहीं हुई। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसके सारे दोस्तों को आपने बुलाया और कंजक भी खिलाई, लेकिन मेरी बच्ची को भगा दिया। ले लो दीदी, आपको जहाँ से फल लेने हैं, मेरे पास नहीं है आप लोगों के लिए फल। अरे तुम तो खाली हाथ आ गई, क्या हुआ, फल वाली ने फल नहीं दिए क्या तुम्हें? एक बात बताओ मुझे, पिछले साल जब कंजक खाने के लिए उस फल वाली की बच्ची आई थी तो तुमने उसे बाहर से भगा दिया था? हाँ भगा दिया होगा, लेकिन इस बात का उस बात से क्या लेना देना है? अरे यार, उस फल वाली को मैंने ही बोला था अपनी बच्ची भेजने के लिए। अरे हाँ यार, वो थोड़ी वैसी सी बन के आई थी, मतलब समझो, अब वैसे भी हमारे 8 कन्या पूरी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसे भगा दिया। तुम्हें पता है अब वो फल वाली ना हमें कभी फल भी नहीं देगी, क्योंकि तुमने उसके बच्चे के साथ कितना गंदा बिहेव किया। चलो यार कोई नहीं, होगी होगी गलती, हम कहीं और से ले लेंगे फल। अरे तुम, ये लो भैया आपके 1-1 किलो फल। अरे जब आपको फल देने ही थे तो तभी दे देते ना, जब आपके पास लेने आए थे हम फल, यहाँ क्यों देने आई है? दे तो मैं वही देती फल, लेकिन आपको कैसे पता लगता कि खुद किसी को बुलाकर उसकी बेइज्जती करने में कैसा लगता है? यही किया था ना आपने मेरी बच्ची के साथ? अरे वो गलती से हो गया था, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है, अगर पता होता तो मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं करता, और मैंने बस उसको वैसे ही भेज दिया था। मुझे पता है आपने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो गरीब दिख रही थी, उसने मैले कपड़े पहन रखे थे। और वैसे आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चियों को कंजक में आप अपने घर बुलाते हो ना, गिफ्ट देते हो, पैसे देते हो, प्रसाद देते हो, आपको पता भी है वो बच्चियां बाहर निकलकर क्या करती हैं? प्रसाद को ऐसे ही फेंक देती हैं और गिफ्ट और पैसे निकालकर चली जाती हैं, और बाद में फिर वो प्रसाद या तो कोई गरीब का बच्चा खाता है या फिर कोई जानवर। अगर आप उस दिन मेरी बच्ची को अपने घर बुलाते ना कंजक के लिए, चाहे आप उसे 100 रुपये देते, 50 रुपये देते, तो वो पता है क्या करती? खुशी खुशी प्रसाद भी खाती और वो 150 रुपये का रजिस्टर या फिर पढ़ाई के लिए कुछ भी सामान खरीद लेती। देखिए मैं जानता हूँ मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, कल कंजक है ना, तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को कल हमारे घर भेज दीजिएगा।